आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नव निर्वाचित सरपंच के भाई पर पूर्व सरपंच ने साथियों के साथ मिलकर किया हमला। घर जा रहे युवक को बाइक सवारों ने मारा चाकू। पिछले 255 वर्षों से जारी है भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की परंपरा। पानी में डूबने से मासूम की मौत। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जारी है। दमोह जिले में अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग तारीखों में ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं। द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हुआ, मतगणना भी संपन्न हुई और उसके बाद एक विवाद भी सामने आ गया। नोएडा थाने के रोण से पूरा मामला सामने आया, जहाँ पर नव निर्वाचित सरपंच के भाई पर हमला किया गया। पूर्व सरपंच और उसके भाइयों के द्वारा ये हमला किया गया है। मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति पर यह हमला किया गया। पूर्व सरपंच सत्यन सिंह सहित अन्य साथियों ने मिलकर ये हमला किया है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। क्या हो गया है? चुनाव जीते हम लोग कल, तो विपक्ष का जो पुराना सरपंच रहा वो राजेंद्र धर्मेंद्र और तीन अन्य लड़के साथ में ये पड़ी। हाँ, सत्येंद्र भी साथ में था। 3 बजे उन्होंने हमला कर दिया। किस किस ने मारा है? सत्येंद्र, राजेंद्र, धर्मेंद्र, तीन अन्य लड़के। कहाँ के रहने वाले हो? घोष। आप लड़ रहे थे चुनाव? हाँ, बड़े भाई का। क्या नाम है बड़े भाई का? विक्रम सिंह। कहाँ के प्रत्याशी थे? थाना नोएडा। पंचायत चुनाव में लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज। बादकपुर चौकी अंतर्गत तेवलारी के समीप दो वाहन आपस में टकरा गए हैं। बताया जाता है कि एक परिवार जो कि 13वीं से घाट पिपरिया से लौट रहा था, बीच रास्ते में तेज रफ्तार दूसरे बाइक सवार ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में 3 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। क्या पूरा मामला है आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है? हम अन्नू। क्या? अन्नू यादव। उनका क्या नाम है? नरेश यादव। कहाँ जा रहे थे? जी घाट पर पड़ी है, मतलब 13 ही थी, उधर जा रहे थे। कैसे हुआ एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से। कहाँ पे हुआ? क्यों ला रही है? आपके कौन है? भैया है। कितने जन घायल है? एक मोड़ी था नरेश, मतलब भैया आमने सामने भाई। हाँ, आमने सामने। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही, वहीं घायलों को उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज। दबाव। दमोदिया थाने के आंखीड़ा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। परिवार के सदस्यों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि महिला के द्वारा क्यों जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? क्यों पी ली इन्हें दवाई? कहाँ पे पी है? क्या नाम है इनका? कहाँ की रहने वाली? आप कौन है इनके?
संजय सरवरी, लखी डी सी न्यूज, दमोह। पल्लेदारी का काम करने वाला एक मजदूर साइकिल से अपने घर जा रहा था। बीच रास्ते में गैस एजेंसी के समीप उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पल्लेदार को काफ़ी गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के द्वारा बताया गया कि युवक काफ़ी शराब पीता था। शराब पीने के बाद वह साइकिल से घर जा रहा था। क्या घटना घटी है उन्हें विशेष जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम है? शिवराम यादव। इनका? लक्ष्मण यादव। क्या हो गया था? अब हम तो बाजार में है, तो घर जा रहा था ड्रिंक करके, या तो कहीं गिर पड़ा है या तो उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसे थे वो? कैसे थे? साइकिल थे। कहाँ जा रहे थे वो? घर जा रहे। क्या करते हैं? पल्लेदारी। आपके कौन है? हमारे भाई साहब। कहाँ की बात है जी? गैस एजेंसी के हैं। कौन सी एजेंसी? गैस एजेंसी। कहाँ पर है जी? ये इंडियन गैस है ना। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज़, दमोह। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत मांगस वार्ड नंबर 4 में रहने वाला एक युवक जलपुर नाके से अपने घर जा रहा था कि बीच रास्ते में दो बाइक सवार मिले, जिनके द्वारा युवक के हाथ में चाकू मारा गया। युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक की माने तो उसे नहीं पता कि बाइक सवारों ने क्यों उसे चाकू मारी है। क्या नाम है आपका? अमित अठिया। क्या हो गया? चाकू मारा किसी ने, पता नहीं दो जन थे बाइक से, मैं गाड़ी रोक के ऐसे हाथ पकड़ के, और पता नहीं एक से सीधा चाकू ही मारा, निकल गए दोनों जन। वो कैसे थे? कैसे? पैदल पैदल करके था, जबलपुर नागा से पैदल आ रहा था। बोला तभी मैं आ रहा। कहाँ के रहने वाले हो? मानिज्य वार्ड नंबर 4 लोगों से। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना ये सिटी कोतवाली। रिपोर्ट हो गई? नहीं कर। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। दमोह शहर में चुनावी मौसम में चाकूबाजी लगातार जारी है। संजय सरवरी, लखनी से न्यूज। ग्राम नई उमरी से एक मामला सामने आया, जहां 8 वर्षीय बालक पानी में गिर गया। बताया जाता है ग्राम पंचायत के समीप एक गड्ढा है, जिसमें पानी भरा हुआ था। गड्ढा काफी बड़ा है, जिसे छोटी तलैया भी कहा जाता है। बच्चा नहाने गया था, तभी डूब गया। 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। परिजन काफी गमगीन है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। आपका क्या नाम है? रामपाल। उस बच्चे का? संजीव राजा। क्या हो गया? वो खेल तलैया है बाजू में, पंचायत भवन के पास में, वहीं पे लूर रहे थे या तैर रहे थे, और अभी तैरना तो आता नहीं, 7-8 साल का बच्चा है। तो मान लो कब की बात है जी? ये करीब 6 साल से हो। आप कहाँ ले आए थे फिर? हम सिमरिया लाए। सिमरिया में डॉक्टर साहब ने देखा, बोला कि आप दमोह ले जाए। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरी, लखनी से न्यूज़, दमोह।
एक साइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से ये मौत हुई है। हालांकि संपूर्ण मामले में परिजनों को विशेष जानकारी नहीं है। परिजनों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि शराब पीकर वह साइकिल से जा रहे थे, पल्लेदारी करते हैं, ऐसे में कोई अन्य घटना भी हो सकती है। आपका क्या नाम है? शिवराम यादव। इनका? लक्ष्मण यादव। क्या हो गया था? अब हम तो बाजार में है तो घर जा रहा था ड्रिंक करके, या तो कहीं गिर पड़ा है या तो उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसे थे वो? कैसे थे? साइकिल। कहाँ जा रहे थे वो? घर जा रहे। क्या करते हैं? पल्लेदारी करते हैं। आपके कौन है? हमारे भाई साहब। कहाँ की बात है जी? गैस एजेंसी के। कौन सी एजेंसी? गैस एजेंसी। कहाँ पर है जी? ये इंडियन गैस है ना। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। नोएडा थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध पर हमला किया गया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। घायल की माने जमीन को लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके चलते उसके ऊपर हमला किया गया है। गांव के लोगों के द्वारा उसे बताया गया था कि दो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। क्या नाम है आपका दादा? क्या हो गया? मार गए रात में। किसने? अरे हमारी गांव में बुराई चलती है। कहाँ पे हो? जगह जमीन पर। कहाँ की बात है जी? बिला घाट की। किसने मारा है आपको? भाई हमने उनको छीना नहीं है। क्या कैसे मारा है? कैसे मारा? लाठी के मारा है। अब बताते हैं लोग के कछु खदानों के कछु गाँव के हैं। नहीं जानते? जानते नहीं। हम लोग जानते हैं, हमसे इनको पता है कि ये लोग को मारने आए। वो तो बताई भी है कि दो तीन आदमी ढूंढा थे ये सर। थाना कौन सा? नोएडा। पूरा नाम आपका क्या लिखा है? मुलायम सिंह लोधी। पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। टगरी निकाय चुनाव में टीम सिद्धार्थ मलैया के द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। दमोकी मामस्ती की तलैया में आम सभा संपन्न हुई। प्रवक्ताओं के द्वारा जमकर बीजेपी और कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगाई गई। बेलाकार से चालू हुई, हिटलर शाही बेलाकार से चालू हुई और हम पे आरोप लगाते हैं पीठ में। उसी विचार को लेके, एक नए विचार को लेके, दमो की नई एक तस्वीर को लेके आदरणीय सिद्धार्थ भैया ने TSM टीम सिद्धार्थ मलैया के बाद 10-15 साल काम करना चाहते हैं, जब तक जीवन दिया भगवान ने, अच्छे से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और जो लोग नए लोग आगे आके काम करना चाहते हैं उन सबका स्वागत है। क्यों माताओं बहनों को जो 70 साल के ऊपर है उनको हम कुटीर पहले नहीं दे सकते? क्यों विकलांग भाइयों को बहनों को दे नहीं सकते कुटीर पहले? क्यों हमारी माताएं बहनें जो विधवा है परित्यक्त है उनको पहले नहीं दे सकते? हम क्यों ऐसा कानून नहीं लिख सकते? इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। टीम सिद्धार्थ मलैया के द्वारा लगातार आरोपों की झड़ी बीजेपी पर लगाई जा रही है। बीजेपी पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि नगर पालिका में जैसे ही जीत सुनिश्चित होती है नगर पालिका में उनका अध्यक्ष बैठता है। टीम सिद्धार्थ मलैया के जो सदस्य हैं, जो पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, इनकी फाइलें खुलवाई जाएंगी कि किस तरह का भ्रष्टाचार इनके द्वारा
किया गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि अब उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, तो लोगों पर आरोप लगाने के अलावा दूसरा काम नहीं है। और जब आप आरोप लगा रहे हैं तो फिर अपनी टीम में भी देखिए, उन टीमों की भी जब इस नगर पालिका की फाइलें खुलवाएंगे अपन, अभी चुनाव हो जाने दो, इसके बाद जो फाइलें खुलेंगी फिर पता चलेगा कि भ्रष्टाचार किसने किया है, फिर पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी वर्तमान में हमारे पदाधिकारी हैं, उनने भ्रष्टाचार किया है कि टीम में जो अभी चुनाव लड़ने मैदान में उतरे लोग हैं उनने कितना क्या किया है, ये सब जनता के सामने आने वाला है संजय, ये बहुत जल्दी आ जाएगा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील राय के नेतृत्व में जवेरा से आय कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक शिकायत पत्र सौंपा गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड क्रमांक 15 से प्रत्याशी रजनी ठाकुर के विरोध में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रत्याशी के द्वारा क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कई वस्तुओं को बांटा गया है। संपूर्ण मामले में उचित कार्रवाई की मांग निर्वाचन आयोग से उनके द्वारा की गई है। आज जबीरा जिला पंचायत सदस्य के सदस्य क्रमांक 15 में प्रत्याशी रजनी ठाकुर के द्वारा आचार संहिता लगने के उपरांत टी शर्टें और कंबल वगैरह बांटे गए। ये देखिए टी शर्ट, इस पर कंबल है, टी शर्टें हैं, मफलर हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी बांटी गई जो आचार संहिता का उल्लंघन करती है। आम आदमी पार्टी जिला दमोह ये मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और यदि दोषी पाए जाते हैं तो चुनाव को रद्द किया जाए। मैं विधानसभा प्रभारी जवेरा, जिस प्रकार से हमारा संविधान और चुनाव आयोग भी पुरजोर बात करता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, ऐसा जमीनी स्तर पर नहीं है। देखिए, जिला सदस्य क्रमांक 15 में कांग्रेस प्रत्याशी रजनी ठाकुर द्वारा गांव-गांव जाके 100-100, 200-200 टी शर्ट, 100-200 कंबल बांटे गए और हम लगभग 25-30 गांव के वीडियो हमारे पास आ गए हैं। आज हमने वीडियो बनाए, गरीब जनता से कहा गया कि आप ये लो और हमें वोट का आशीर्वाद दो, और हमारी अशिक्षित गरीब आदिवासी इलाकों में जनता समझती नहीं वोट की कीमत कैसे, मतलब दुर्भाग्य हमारे क्षेत्रों का, शिक्षित नहीं है जनता। जनता खुद कह रही हमने टी शर्ट ली और इसलिए वोट दी, कंबल लिए इसलिए दिए। और दूसरी बात, हम मीडिया के माध्यम से बात करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर डली है पूरे वीडियो, और हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से जल्द जांच की जाए और तत्काल रजनी ठाकुर पर FIR दर्ज हो। क्या सामान देकर वोट का आशीर्वाद मांगना जायज है? अगर जायज है तो हमें उसका शांति दी जाए, और नहीं है जायज तो तत्काल FIR दर्ज करके जबीरा चुनाव आयोग चुनाव रद्द करने की दया करें। यदि ऐसा नहीं होता है, चाहे जब गई हो वोट के नाम से दी है, हमारे पास पूरे क्षेत्र के वीडियो हैं, जनता खुद कह रही है हम हाईवे पर बैठेंगे और फिर भी नहीं चलेगा तो माननीय उच्च न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, आम आदमी पार्टी जाएगी, क्योंकि कपड़ा देकर वोट मांगना गलत, मतलब गलत है। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक संपूर्ण मामले में जांच हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सागर जिले के गढ़ाकोटा में पिछले 255 वर्षों से लगातार ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जाती है। 3 रथों पर भगवान सवार होकर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलदाव और बहन सुभद्रा की ये रथ होते हैं। जगदीश स्वामी की स्थानीय रथ यात्रा शुक्रवार को गढ़ाकोटा में बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई। काफ़ी अनोखी ये यात्रा होती है। शाम 6 बजे ढोल नगाड़े DJ की धुन पर भक्त जमकर झूमते और नाचते नजर आए। जगदीश स्वामी मंदिर पटेरा से रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा का समापन नगर के लंबरदार के मंदिर जनकपुरी में संपन्न हुआ। 15 दिनों तक भगवान यहां पर रुकेंगे। काफ़ी बड़ा भक्तों का सैलाब इसमें चल रहा था। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल हुए, तो वहीं उनके पुत्र अभिषेक दीप भार्गव भी शामिल हुए। महाप्रसाद वितरण भी किया गया। महंत हरिदास महाराज ने बताया कि 22 फुट ऊँचे 3 अलग अलग रथों पर भगवान जगदीश स्वामी
भैया बलदा और बहन सुभद्रा एक साथ निकले। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा उनके दर्शन किए गए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की गई। रात 12 बजे लगभग भव्य महाआरती हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्य रथ यात्रा निकली। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। नव निर्वाचित सरपंच के भाई पर पूर्व सरपंच ने साथियों के साथ मिलकर किया हमला। घर जा रहे युवक को बाइक सवारों ने मारा चाकू। पिछले 255 वर्षों से जारी है भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की परंपरा। पानी में डूबने से मासूम की मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हर जरूर होंगे। तब तक लिए दीजिए मैं जाचा।